तुई काजे आहेरा बस में नख दिला कोनो इला है नखरी वाली मन मोहानी छुपा सा नीसी चाप गुलाब साड़ी तोर। हाय एवरीवन, बैक टू बैक माय ट्यूब चैनल। तो गाइज, फिर भी मैं आपने जिस प्रकार का न्यू नागपुरी सॉन्ग गुलाबी साड़ी में लिरिक्स स्टेटस वीडियो देखा न्यू स्टाइल में, तो आप भी कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो आपसे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लाइट मोशन की ज़रूरत है। यदि आपके पास पहले से लाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन में दो प्रीसेट को इनपुट करना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे रखा है। अगर आपको इनपुट करने में दोनों प्रीसेट को किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम SMS कर सकते हैं। और मैंने जो मटेरियल को इस वीडियो में यूज किया है सारा मटेरियल मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा, आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए, नीचे में आपको प्लस के राइट साइड प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जो आपने प्रीसेट को इनपुट किया है वो दोनों ऊपर में आपको दिखने लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बीट मार्क प्रीसेट है उसे ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फोटो ऐड करना होगा। तो फर्स्ट वाला बीट इस पर कुछ नहीं करना है, यहाँ चले जाना। तो फोटो ऐड करने के लिए आपको नीचे प्लस पे चले जाना है, मीडिया में जाना है और अब जिस फोटो के साथ वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर थ्री डॉट पे जाना है और फिल कमीशन एरिया कर देना है और फोटो ड्यूरेशन आपको जहाँ तक डबल बीट है वहाँ तक ले आना है और यहाँ से आपको पूरा कर लेना है। उसी वैसे आपको डुप्लीकेट करना है तो प्लस पे जाना है और डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। उसके बाद फिर से आगे चले आना है और एक रेक्टेंगल को आपको सिलेक्ट करना है, प्लस पे जाना है और ऐसे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। एडिट शेप पे चले जाना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट में रखना है 600 एक्स को और हमारा जो वाई है आपको 300 रख लेना और सेव पे टाइप कर देना है और इसे भी आपको यहाँ तक पूरा कर लेना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर वाला फोटो और रेक्टेंगल को, और ऊपर आपको तीन ऑप्शन जो दिख रहा है उसे बीच वाला पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से फोटो हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो फोटो बचा है उसमें आपको इफेक्ट लगाना है। फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, एड इफेक्ट पे, और आपको यहाँ पर सर्च करना है सेचुरेशन। सर्च करते ऊपर में आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे मोनोक्रोम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको दोस्तों इस फोटो का जो नीचे वाला है इसका थोड़ा आपको ब्लेंडिंग कैपेसिटी में जाना है और इसको आपको थोड़ा घटा के 30 रख लेना है ताकि फ़ोटो भी देखने में अच्छा लगे। उसके बाद अगर फ़ोटो को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, ग्रुप में चले जाना है, एडिट ग्रुप में, और बीच वाला फ़ोटो को आप यहाँ पर सही तरह से फ़ोटो को रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा काम हो चुका है। फिर आपको यहाँ पर जो अगला बीट है चले आना है, प्लस पे जाना है, मीडियम, फिर से आपको दूसरा फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर थ्री डॉट पे जाना है, फिल कमीशन एरिया कर देना है और इसे डबल बीट तक पूरा कर लेना है। अब की बार इसे डुप्लीकेट नहीं करना है आपको, जहाँ ग्रुप बनाया था उस पर क्लिक करना है, इसे कॉपी लेयर कर लेना है और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और नीचे वाला फोटो में इफेक्ट लगाने के लिए जहाँ नीचे फोटो टा इफेक्ट पे जाना है,
और कॉपी पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और फिर से इस फोटो का भी सेचुरेशन को आपको घटा के 30 कर लेना है। यह आपको प्रत्येक फोटो में करना होगा और ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है और जो फोटो अभी आपने ऐड किया था वो फोटो को यहाँ दोबारा से ऐड कर देना है, इसे पूरा कर लेना है और लॉन्ग प्रेस करके नीचे रख लेना है और आपको फोटो पे क्लिक करना मोबाइल ट्रांसफर में जाके आपको यहाँ इसे थोड़ा जूम भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, बीच में रख लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा से यहाँ पर फोटो ऐड हो चुका है। तो प्रोसेस आपको जैसे छोटा हो गया तो इसे आप किसके यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आपको लास्ट तक पूरा कर लेना है, तो मैं जल्दी से पूरा कर लेता हूँ। तो दोस्तों पूरा हो जाने के बाद आपको जो ग्रुप वाला फ़ोटो है उसमें इफ़ेक्ट लगाना है। तो आगे चले आना है, ग्रुप पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर इफ़ेक्ट पे चले जाना है, एड इफेक्ट पे, और आपको यहाँ पर सर्च करना है पेज कर्व। तो पेज कर्व सर्च ही आ जाएगा ऊपर में, इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, सीधा सेटिंग में चले जाना है और आपके यहाँ जो ऊपर प्रोसेस है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको फर्स्ट बैक प्लस लगा देना है और इसे यहाँ पर आपको 100 कर देना है। फिर आपको बीच में चले जाना है और एक प्लस कर देना है और फिर से इसे आपको इधर 0 कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इधर नीचे चले आना है, एंगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे आपको यहाँ पर 90 डिग्री रख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बता दिया, आपको 90 डिग्री नहीं करना है, आपको सबसे पहले एंगल पे क्लिक करके एक प्लस लगाना है और इसे आपको यहाँ पर -5 रखना है, 5 डिग्री, और फिर जहाँ पर आप लगाए थे बीच पे वहाँ पर चले आना है, फिर एक प्लस लगा देना और इसे आपको बढ़ा के इधर 5 रखना है, फर्स्ट में -5 और लास्ट में 5। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि इस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है और जितना भी यहाँ पर ग्रुप वाला है सब में आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं जल्दी से इसको भी पूरा कर लेता हूँ। तो दोस्तों जितना भी ग्रुप था सब में मैंने इफेक्ट को लगा दिया, उसके बाद आपको लिरिक्स को लिखना है। तो उसके लिए बैक चले आना है और आपको टेक्स्ट प्रीसेट को ओपन करना है, यहाँ से आपको दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कॉपी लेयर कर लेना है और फिर आपको सबको बैक चले आना है और बीटमार्क प्रीसेट को ओपन करना होगा और जहाँ से फोटो एड करना स्टार्ट किया तो वहाँ चले आना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। तो दोस्तों लिरिक्स को पेस्ट करते ही आप देख सकते होंगे छोटा हो जा रहा है, जहाँ डबल बीटमार्क आता नहीं पहुँच रहा है, तब क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, नीचे वाला पे कैमरा वाला पे चले जाना है और इसे यहाँ पर पूरा कर लेना है और सेम तरीका से इसे भी यहाँ पूरा कर लेना है। अच्छा देख लेता हूँ, देख सकते इधर बड़ा हो जा रहा है, तो क्या करूँगा, अब की बार टाइम जो इधर वाला कट करना है आपको, लेफ्ट साइड वाला को, राइट वाला नहीं, जो बराबर हो जाए। इसको लिखने के लिए आपको यहाँ पर नीचे वाला पे क्लिक करना है, लिरिक्स पे जाना है और इसे यहाँ से हटा देना है। तो मैं लिरिक्स नोट पहले से लिख रखा है और आपको भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और उसे कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, तो ऊपर में जो फर्स्ट वाला है सिर्फ को आपको पहले कॉपी करना है और आपको बैक चले जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर आपको इधर जो लिखा हुआ है उस पर आना होगा, उसे भी यहाँ से हटा देना है और फिर सबको दूसरा वाला पे कॉपी करना है और आपको यहाँ पर इसे भी पेस्ट कर लेना है। तो आप समझिए किस प्रकार से आपको करना है,
फिर आगे यहाँ पर दोनों को कॉपी कर लेना है और आगे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं कि छोटा बड़ा हो जा रहा है, तो आपको अच्छा से फिर एडजस्ट कर लेना है और सेम तरीका से आपको कर लेना। तो मैं जल्दी से इसे पूरा कर लेता हूँ।